हेलो एवरीवन, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको बताने की कोशिश की थी, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने देखा उस वीडियो को। उसमें 95% बच्चों ने उस वीडियो को सपोर्ट किया है कि हाँ, आप एकदम सही बोल रहे हैं। लेकिन लगभग 5% बच्चे आप मान सकते हैं कि वो उस वीडियो से सेटिस्फाई नहीं थे या मेरी बातों से सेटिस्फाई नहीं थे। उसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई थी कि किस तरह से बच्चों को पागल बनाया जा रहा है टीचरों के द्वारा। जो मेन मुद्दे हैं उसको इग्नोर किया जा रहा है, वो फालतू के मुद्दे। चलिए, फालतू नहीं मान सकते, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है ये चीज़ें। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, जो एक्चुअल में मुद्दा उठना चाहिए, वो चीज़ें नहीं लाई जा रही है सामने, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। अब जो मैंने बोला था वही चीज़ें हो रही है। देखिए, कभी भी जो चीज़ें नोटिफिकेशन में होती है ना, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाओगे, कहीं भी चले जाओगे, तो सुप्रीम कोर्ट भी नोटिफिकेशन के आधार पर ही चीज़ें देखता है। तो जितने भी क्वेश्चंस उठ रहे थे रेलवे ने उन सब क्वेश्चन का जवाब दिया है, एक एक करके। आप सबने भी देखा होगा, ठीक है, कि एक सीट पर आप आठ, मतलब एक सीट पर एक ही बच्चों को आठ आठ दस दस पोस्ट के लिए आप पास कर रहे हो, तो वो इतनी सारी पोस्ट क्या, मतलब इतनी सारी नौकरी कैसे कर पाएगा एक साथ। तो उस चीज़ का भी जवाब दे दिया कि हम फाइनली एक ही पोस्ट के लिए सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और भी मतलब बहुत सारे इस तरह के सवाल थे जो भी आपके जो है द्वारा सवाल उठ रहे थे। उन सारे सवालों का जवाब दे दिया रेलवे ने कि आपने 20 गुना बच्चे क्यों नहीं लिए, है ना। ये तो 20 गुना आपने रोल नंबर लिए हैं, उसका जवाब भी दे दिया। मतलब इन सारे क्वेश्चंस का, जितने भी उठ रहे थे उन सभी क्वेश्चंस का रेलवे ने जवाब दे दिया। और ये भी क्वेश्चन था कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों जा रही है, तो उन्होंने बोला कि भाई बच्चों के हिसाब से जा रही है कट ऑफ, हमें जितने बच्चे चाहिए तो हमें उस कट ऑफ तक मिल रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ तक कट ऑफ, जिस कट ऑफ पे हमें बच्चे मिल जाएंगे, हम उसी वहाँ पर कट ऑफ लगा देंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चंस उठ रहे थे आपके द्वारा, पूछे जा रहे थे, उन सभी का जवाब रेलवे के द्वारा दे दिया गया है, समझ रहे हो। लेकिन मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन ये होना चाहिए था, मुद्दा ये होना चाहिए था कि भाई आप नॉर्मलाइजेशन, बात इन सब को हटके कि भाई आपने 10 गुना क्यों लिए, 20 गुना क्यों नहीं लिए, ठीक है। हालांकि रेलवे ने लगभग 10-11 गुना बच्चे ले लिए हैं CVT 2 के लिए। तो मेरे हिसाब से, अगर मैं अपनी तरफ अपने हिसाब से बात करूं, तो 10 से 11 गुना बच्चे भाई बहुत होते हैं, ठीक है। 35,000 सीटें हैं और 3.5 लाख बच्चे लगभग उन्होंने लिए हैं, तो 3.5 लाख बच्चे काफ़ी होते हैं। अभी इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं टॉपिक पे आता हूँ कि एक्चुअल में मुद्दा क्या होना चाहिए था। मुद्दा ये होना चाहिए था कि भाई आप नॉर्मलाइजेशन किस तरह से करते हैं, किस आधार पर करते हैं, हमें पूरा उसको जो है ओपन करके दिखाएं। और बिल्कुल कि किस तरह से चीज़ें, मुद्दा ये होना चाहिए कि आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है भाई, इतनी सारी शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। बिना नॉर्मलाइजेशन की भी चीज़ें गड़बड़ होगी, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन एक स्पष्ट तरीके से, क्लियर तरीके से होना चाहिए। कैसे, ये मेरा अपना मानना है कि इस तरह से होना चाहिए, बाकी आपका और कुछ हो सकता है। देखिए, मेरा मानना ये है कि नॉर्मलाइजेशन हो, लेकिन हमें शिफ्ट वाइज जो है एवरेज मार्क्स बताया जाए कि इस डेट की इस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स इतना है, इस शिफ्ट की इस शिफ्ट इस डेट की इस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स इतना है। पहला पॉइंट कि हमें हर शिफ्ट का एवरेज मार्क्स जो है दिखाया जाए, ठीक है। दूसरा कि उस शिफ्ट के, मतलब हर शिफ्ट के टॉप 100 बच्चों के मार्क्स भी वहां पर दिखाए जाए, जो टॉप, जिस जो सबसे ज्यादा स्कोर किया हो, ऐसे 100 लड़कों के मार्क्स दिखाए जाए वहां पर, हर शिफ्ट के, हर डेट के, हर शिफ्ट के मार्क्स दिखाए जाए, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए, पहला तो एवरेज मार्क्स वहां पर दिखाए जाए हर शिफ्ट का, फिर टॉप 100 बच्चों के मार्क्स दिखाए जाए, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ, ये एक्चुअल में टफ शिफ्ट थी या नहीं। मार्क्स के आधार पर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यार इसमें जो है 100 बच्चों मतलब बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, और किसी शिफ्ट में 100 बच्चे बहुत कम स्कोर कर रहे हैं। तो उस आधार पर हम पता
पता लगा सकते हैं कि हाँ वाकई में ये शिफ्ट टफ थी या फिर इजी थी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एक शिफ्ट में एक बच्चे के 10 नंबर बढ़ रहे हैं तो दूसरे बच्चे के, उसी शिफ्ट के दूसरे बच्चे के भी 10 नंबर ही बढ़ने चाहिए। ये तीसरा पॉइंट है, यानी ऐसा नहीं है कि एक डेट में एक शिफ्ट के एक बच्चे के जो है 10 नंबर बढ़ रहे हैं तो दूसरे के 20 बढ़ रहे हैं, उसी शिफ्ट के बच्चे के दूसरे के 20, किसी के 5 बढ़ रहे हैं। भाई ये चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आती है। अगर ये चीज़ सही हो गई ना, जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, पहला पॉइंट कि हमें एवरेज मार्क्स बताया जाए सभी शिफ्ट का, दूसरा पॉइंट, पहला हो गया हमारा एवरेज मार्क्स वाला, दूसरा टॉप 100 बच्चों के जो है हर शिफ्ट के टॉप 100 बच्चों की लिस्ट जारी की जाए, किसके कितने मार्क्स है, ठीक है वो दिखाया जाए, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा कि एक शिफ्ट में बैठे जितने भी बच्चे हैं उनके या तो बराबर मार्क्स बढ़े या बराबर मार्क्स कम हो, ये नहीं कि एक ही शिफ्ट के एक बच्चे के 10 मार्क्स बढ़ रहे हैं, किसी के 10 कम हो रहे हैं, किसी के 20 बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें गलत है, ठीक है। अगर ये 3 पॉइंट जो है आपके द्वारा रखे जाते और नॉर्मलाइजेशन वाला मुद्दा उठाया जाता और इतनी संख्या में ट्वीट्स होते तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हमारे लिए हो सकती थी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भाई इतना देखिए टीचरों ने बच्चों को इतना पैनिक कर दिया, क्या क्या इससे पहले वो कहीं फेल नहीं हुए, फेल हुए हैं, लेकिन इस रिजल्ट को लेकर के भाई बच्चों को टीचरों ने बच्चों को इतना पैनिक कर दिया, बहुत ज़्यादा पैनिक कर दिया, बच्चों ने सुसाइड तक जो है करने के कदम उठाए हैं। और अभी अभी मैंने न्यूज़ सुनी है कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया। भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको पैनिक नहीं होना है। भाई फेलियर किसके सामने नहीं आता, सब बच्चों के सामने फेलियर आता है, हर किसी के सामने फेलियर आता है। जिसकी लाइफ में फेलियर नहीं है तो उसकी लाइफ में पास होने का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा यार, फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, ठीक है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। और हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा बहुत निराश है कि 80 लाने के बाद 85 लाने के बाद भी हमारा नंबर नहीं आया, तो भाई इस बात के लिए हमें भी अफसोस है कि कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि मतलब 80-85 वाले भी बाहर हो रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये है नॉर्मलाइजेशन वाला, इसकी वजह से भी जो है 80-85 वाले बाहर हो रहे हैं। तो भाई ये दो मुद्दे हैं और इस चीज़ को आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि यार हमारा 80 लाने के बाद भी इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी हमें आगे आने वाले एग्जाम्स में उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि हम जो है और अच्छा रिजल्ट लाएं और अच्छे मार्क्स लाएं और अपने जो इतने मार्क्स लाएं कि हम जो है हमारा नंबर आ जाए। जैसे ग्रुप डी की परीक्षा है आने वाले टाइम में, बहुत बड़ी परीक्षा है बहुत बड़े लेवल पर, तो आपको यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि भाई हमें अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जो होगा देखा जाएगा इसका, चलो जो भी चल रहा है, ठीक है। फिलहाल तो आप अगली स्टडी में लगो और जो भी एग्जाम है उसके हिसाब से तैयारी करो, मेरा तो यही मानना है, ठीक है। और पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और ज़्यादा किसी के चक्कर में नहीं आना है। आप सब जानते हैं कि मैंने मतलब सुनने में आया है कि किसी किसी प्लेटफॉर्म ने कई कई लाख जो है बुक्स CVT 2 के लिए छपवा दी थी, मतलब बुक काफ़ी सारी मार्केट में लॉन्च कर दी थी, छपवाई है 4-5 लाख बुक, समझ रहे हो। तो अब उनको तो दर्द होगा ना कि भाई बच्चे तो इतने हैं भी नहीं जितने हमने बुक जो है छपवा दी, तो वहाँ पर तो वो प्रोटेस्ट करेंगे, बच्चों को भड़काएंगे, सब चीज़ें करेंगे। तो इन चीज़ों से सावधान रहना और पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, और फेलियर से भाई सीखना है, सीखना है, ठीक है, फेलियर से सीखा जाता है। आगे के लिए आप रणनीति बनाओ, अच्छे से मेहनत करो, पढ़ो और इस रिजल्ट में जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बोलना था, अगर किसी भाई को मेरी बातों से थोड़ा भी जो है ठेस पहुंचती है तो उसके लिए सॉरी, और बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर ज़रूर करना और साथ में चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।